हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए अगेन एक नया वीडियो जिसमें कि अभी डीएमआरसी की तरफ से जो नया प्रेस रिलीज है वो रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कि ये खबर आ रही है कि जो मेट्रो स्टार्ट होने वाले हैं 7 सितंबर से, वो 3 स्टेजेस में स्टार्ट होगी। जो कि टाइम जो टाइम दिया गया है वो 7 से 12 सितंबर के बीच का ये तीनों स्टेजेस होंगे। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस जो स्टेजेस हो रहे हैं तीन तीन अलग अलग पार्ट्स में, तो इसमें पब्लिक के लिए क्या है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जो सर्विस है वो एज़ पर द गिवन लाइन, मतलब जो सी लाइन जिस दिन स्टार्ट होगी उनका एक टाइमिंग होगा, ऑपरेशनल उसी टाइम पर चलेंगी, उसी टाइम पर पैसेंजर लोग अपनी मेट्रो सर्विस कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं तीनों स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसकी क्या है, फर्स्ट स्टेज है 7 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, और उसमें जो स्टार्ट हो रही है वो मेट्रो लाइन वो है येलो लाइन, जो कि समयपुरी बादली से स्टार्ट होगी और वो हुडा सिटी सेंटर तक जाएगी। इसके साथ साथ कि उनमें जो गुरुग्राम में मेट्रो रैपिड मेट्रो है वो भी स्टार्ट होगी, पर जो पैसेंजर की टाइमिंग होंगे ना, टाइमिंग जो चलेंगी मेट्रो वो 4 आवर्स मॉर्निंग में चलेगी, 4 आवर इवनिंग में। तो 4 आवर मॉर्निंग में जो चलेगी वो 7 AM से 11 AM तक की चलेगी, और इवनिंग में जो चलेगी 4 PM से 8 PM तक के बीच में चलेगी। इट मीन्स आपके लिए शायद अच्छा हो, क्योंकि ऑफिस वर्क के लिए आराम से जा सकते हैं और आ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं स्टेज वन में और दूसरे डेज में कौन से स्टार्ट हो रही है। तो देख रहे हैं आपकी 9 सितंबर को 2020 को कहें तो फर्स्ट स्टेज में एक और पार्ट है जो कि मेट्रो स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि लाइन 3 है, जिसको लाइन 3/4 का नाम दिया है, जिसमें ब्लू लाइन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द्वारका से सेक्टर 21 टू नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और जो दूसरा है वो है वैशाली एंड द लाइन पिंक, वो भी हमारी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द मजाली पार्क टू CBR तक स्टार्ट हो रही है। तो आपको ब्लू लाइन में जाना है तो ब्लू लाइन भी शुरू हो गई है और पिंक लाइन भी शुरू हो गई है, बट वो 9 सितंबर से। चलिए अब बात करते हैं इनकी टाइमिंग की, तो सेम जैसा हमारा पहला टाइम था येलो लाइन का, वही सेम है, 4 आवर्स मॉर्निंग 4 आवर इवनिंग, 7 AM to 11 AM इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में 4 PM to 8 PM। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि फर्स्ट स्टेज के ही अंदर है, 10 सितंबर को स्टार्ट होगी। इसमें क्या है, इसमें जो लाइन वन है वो रेड लाइन शुरू हो रही है, इठाला टू शाही सेलेक्ट न्यू बस अड्डा, एंड द लाइन 5 जो स्टार्ट हो रही है वो ग्रीन लाइन स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी कहाँ से, फ्रॉम कीर्ति नगर या इंद्रलोक टू ब्रिज, और फिर हसियर सिंह बहादुरगढ़ जो एंड द लाइन 6 कहाँ से स्टार्ट होगी, वॉयलेट लाइन है जो कि 6 लाइन, जो कि फ्रॉम कश्मीरी गेट टू राजा नगर नाहर सिंह मतलब बादल घर मोरनी तक जाएगी। तो आपने देखा कि इसमें 10 तारीख को जो रेड लाइन, ग्रीन लाइन और जो वॉयलेट लाइन, ये तीनों हमारी 10 तारीख को स्टार्ट हो रही हैं। तो इनके टाइमिंग्स क्या हैं, इनके टाइमिंग्स बेसिकली क्या है, 4 आवर्स ओनली फॉर 7 AM to 11 PM AM तक, और फिर इवनिंग में सेम हमारा सबके टाइमिंग टेम है, तो 4 आवर इवनिंग 4 आवर मॉर्निंग। सो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेज टू है। स्टेज टू में क्या है कि 11 सितंबर से स्टार्ट जो हो रही है वो हो रही है एडिशनल स्टेज जो फर्स्ट के बाद, तो लाइन क्या है, 8 लाइन फर्स्ट एंड 8 लाइन में मेजेंटा लाइन फ्रॉम जनकपुरी वेस्ट टू बोटेनिकल गार्डन, मीन्स मेजेंटा लाइन शुरू होने वाली है, जो कि आप 11 सितंबर से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 4 डेज का, देन मेजेंटा लाइन का आप इजिली कम समय में नोएडा रिलोकेट कर सकते हैं दिल्ली से। तो जिसमें कि द्वारका टू नजफगढ़ विल ऑल्सो बी मेड ऑपरेशनली, और द्वारका से नजफगढ़ भी इसमें स्टार्ट हो जाएगी हमारी, चलिए जो कि 8 लाइन है। नेक्स्ट जो इसका पैसेंजर का टाइमिंग क्या है, इसमें क्या है 6 आवर्स रखा गया है, इसमें कि 7 AM से 1 PM एंड इवनिंग में 4 PM to 10 PM अबव द टाइमिंग आर एप्लीकेबल फॉर द लाइन रिज्यूम स्टेज वन ऑल्सो। सो वन के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी कब, ये 11 सितंबर से, पर अभी तक जो 7 से 10 तक चलेगी वो 4 आवर्स होगी, बट 11 से 1 में भी स्टेज में स्टार्ट हो जाएगी, इट मीन्स येलो लाइन स्टार्ट हो जाएगी 6 आवर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जो हो रहा है वो लास्ट जो 12 डेट थी उसको हो रहा है, तो 12 सितंबर को क्या हो रहा है कि स्टेज 1 एंड 2 लाइंस जो है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द्वारका 21 विल ऑल्सो बी ऑपरेशनल, मतलब जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि वो 12 सितंबर से अपनी यात्रा कर सकते हैं मेट्रो में। जिनके टाइमिंग जो है वो आपके एक टाइमिंग रखा गया है इन्होंने, जिसका कि डे में 6 AM से 11 PM के तक ही रह गया, मतलब मॉर्निंग 6 से 11 PM नाइट तक आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट भी हैं जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ ट्रेन के बारे में, तो आपके लिए है और आप बने रहिए, और कुछ दो चंद मिनटों में आपको ये खबर मिल जाएगी। ट्रेन सर्विस विल स्टार्ट फ्रॉम द एडिक्वेटली फ्रिक्वेंटली एज पर द बिफोर 22 मार्च 2020 विच में
इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट्स। आपका 24 सेकंड मार्च तक जिस तरह से अभी इंक्रीज डिक्रीज होती रहेंगी, बट हाँ उसके बाद आपकी जो मेट्रो है वो फ्रिक्वेंटली चलने लगेंगी जैसे एज पर जैसे बिफोर लॉकडाउन चल रही थी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। देयर विल बी अ मिरर इंक्रीज इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द ट्रीटमेंट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, वो टाइमिंग को चेंज करते रहेंगे। और अनदर एक और लेटेस्ट खबर है आपके लिए, क्या ट्रेन विल नॉट स्टॉप एट स्टेशन फॉलिंग इन द कंटेनमेंट जोन, सो सच स्टेशन विल रिमेन क्लोज फॉर अ पब्लिक एंड सिमिलरली सम ऑफ द स्टेशन मे बी स्किप इफ सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट हिट बाय द पैसेंजर। इसका मतलब आपके लिए ये खबर भी बहुत जरूरी है कि अगर आप मेट्रो सर्विस कर रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर नहीं करते हैं तो आगे चल के गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ मेट्रो स्टेशन के जो स्टॉपेज हैं वही बंद कर देंगे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें हो पाए। अवेयर अबाउट द न्यू प्रेस रिलीज, न्यू टाइमिंग एंड न्यू लाइन्स फॉर द मेट्रो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये सारी टाइमिंग्स और सारी चीज़ें वो इजीली देख पाएँ और समझ पाएँ जिससे कि उनके यात्रा करने में ज़्यादा आसानी और उन्हें हो और उन्हें सफलता मिले अपने जगह तक पहुँचने में जल्द से जल्द। थैंक यू।